हाय गाइस, मैं हूं विशाल पटेल। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर के बारे में देखेंगे। तो क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर? सो अटैक वेक्टर जो है वो एक पाथ है जिसका यूज करके अटैकर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे कंट्रोल करके वो मैलिशियस एक्टिविटी को अंजाम देता है। सो कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर्स है? लाइक है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर्स, सोशल नेटवर्किंग, टारगेटेड मालवेयर्स, हैक्टिविज्म, कॉम्प्लायंस टू गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी पॉलिसी, नेटवर्क एप्लीकेशन, लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, बॉटनेट्स, इनसाइडर थ्रेट्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कौन कौन से थ्रेट्स है? लाइक है नेचुरल थ्रेट्स, फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ह्यूमन थ्रेट्स, नेटवर्क थ्रेट्स, होस्ट थ्रेट्स, एप्लीकेशन थ्रेट। सो हम देखेंगे कि नेचुरल थ्रेट्स क्या है। नेचुरल थ्रेट्स मीन्स कभी अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, हरिकेन आ जाता है, फ्लड आ जाता है, और कुछ भी नेचुरल रिलेटेड कुछ भी डिजास्टर होता है जिसको तुम स्टॉप नहीं कर सकते हो, और उसकी वजह से जो भी डैमेज होता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट, जो है नेचुरल थ्रेट। सो नेचुरल थ्रेट को स्टॉप नहीं किया जाता, बट उसके रिगार्डिंग हम पहले से कुछ एक्शन ले सकते हैं, कुछ सेफगार्ड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम नेचुरल थ्रेट होने की वजह से जितने भी डैमेजेस होने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। देन है फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट। फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट एक ऐसा थ्रेट है जैसे कि आग लग जाना, लाइक वाटर की वजह से कुछ डैमेज होना, चोरी होना, या फिजिकली कुछ भी चीज़ इम्पैक्ट होना, तो वो जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट है। कई बार ऐसा भी होता है कि पावर चले जाने की वजह से सिस्टम डैमेज होती है, हार्डवेयर डैमेज होती है। लाइक जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसको तुम पावर दे रहे हो, लाइक नेस डिवाइस है, नेस स्टोरेज डिवाइस है, और उसका पावर चला जाता है और डिवाइस डैमेज हो जाती है, तो दैट इज अ फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स। देन है ह्यूमन थ्रेट्स। ह्यूमन थ्रेट बेसिकली दो प्रकार के हैं, इनसाइडर एंड आउटसाइडर। इनसाइडर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉई, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर जानते हैं, उसको आपकी कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा पोस्चर पता है, सो वो ज़्यादा डेंजरस है। सो वैसे पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हैं इसको हम बोलते हैं आउटसाइडर, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसको हम बोलते हैं इनसाइडर। सो आउटसाइडर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग, जिसका यूज़ करके वो आपके कंपनी के एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, टीम लीड की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो दैट इज अ ह्यूमन थ्रेट्स। और नेटवर्क थ्रेट्स। नेटवर्क थ्रेट्स क्या है कि नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर का कलेक्शन है, हार्डवेयर का कलेक्शन है। वो कंप्यूटर जितने भी है, वो जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो जो अटैकर होता है उस कम्युनिकेशन चैनल पे वो कंट्रोल करता है, मतलब जो भी उस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू डेटा ट्रैवल हो रहा है, वो मैलिशियस पर्सन, वो अटैकर्स उस कम्युनिकेशन चैनल को कॉम्प्रोमाइज करके इंफॉर्मेशन को स्टील करता है। इट्स कॉल्ड नेटवर्क थ्रेट्स। होस्ट थ्रेट। होस्ट थ्रेट क्या है? वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, पर्टिकुलर कंप्यूटर है, उसके अंदर जितने भी वनरेबिलिटीज है उसका बेनिफिट उठा के अटैकर जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर लेता है। इट्स कॉल्ड होस्ट थ्रेट। एप्लीकेशन थ्रेट। एप्लीकेशन थ्रेट जो है, जो ऐसा थ्रेट है कि जब डेवलपर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करता है तो उस टाइम पे जितनी भी उसकी वीकनेसेस है, उसकी जितनी भी खामियाज है, उसको वो फाइंड कर लेता है और उस वनरेबिलिटीज का बेनिफिट उठा के उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोइट करता है। इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन थ्रेट। हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग।
हैकिंग क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है। हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अटैकर खामियां ढूंढता है, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है और अनऑथोराइज्डली कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लेता है। जब एथिकल हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एथिकल हैकर, जिसमें वाइट हैट्स हैकिंग टूल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक का यूज करके वो अपने कंप्यूटर सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है एंड उसको फिक्स करता है, जिसके थ्रू कोई अटैकर उस पर अटैक ना कर पाए। तो इट्स कॉल्ड एथिकल हैकिंग। मतलब एथिकल हैकर जो होता है वो एथिकली काम करता है। इफेक्ट ऑफ हैकिंग ऑन बिजनेस। हैकिंग की वजह से बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ सकती है? आपके रेपुटेशन पे इफेक्ट आ सकती है, आपका बहुत ही बड़ा बिजनेस लॉस हो सकता है, आपका बहुत ही बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हु इज हैकर? हैकर क्या है? हैकर वो बंदा है, हैकर वो पर्सन है जिसके पास एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल्स है। वो किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सप्लोर कर सकता है। कई ऐसे हैकर होते हैं जिसकी हॉबी होती है, वैसी हॉबी होती है कि जैसे मैं कितने कंप्यूटर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मैं कितने नेटवर्क डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो इट्स कॉल्ड हॉबी। सो इंटेंशन कई बार नॉलेज गेन करने के लिए हो सकता है या कई बार इनलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए हो सकता है। सो इट्स कॉल्ड डू इनलीगल थिंग्स। तो समटाइम अटैकर जो होते हैं वो मैलिशियस एक्टिविटी इसलिए करते हैं कि अपने आप को हाइड करने के लिए या बिजनेस डेटा को चोरी करने के लिए, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, सोशल नंबर गेन करने के लिए, ईमेल अकाउंट पासवर्ड गेन करने के लिए। तो इट्स कॉल्ड मैलिशियस इंटेंट। सो हैकर्स के क्लासेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के हैकर्स होते हैं, लाइक ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट, स्क्रिप्ट किडीज, सुसाइड हैकर, स्पाई हैकर, साइबर टेररिस्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। सो ब्लैक हैट एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटर स्किल है, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है और उसको तुम बोल सकते हो क्रैकर। व्हाइट हैट एक ऐसा पर्सन है जो एथिकली काम करता है, वो डिफेंसिव पर्पज से काम करता है, जिसको तुम सिक्योरिटी एनालिस्ट बोल सकते हो। ग्रे हैट एक ऐसा पर्सन है जो एज ए ब्लैक हैट और एज ए व्हाइट हैट दोनों काम कर सकता है टाइम के हिसाब से, उसके पास दोनों स्किल है। इट्स वेरी डेंजरस। स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है जो अनस्किल्ड है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट का यूज करता है, टूल्स का यूज करता है, जो एक्चुअल अटैकर जो है, एक्चुअल हैकर जो है उसके थ्रू डेवलप किया गया हो। मतलब वो ऐसे टूल्स और स्क्रिप्ट का यूज करता है जो एक्चुअल रियल हैकर ने उसको डेवलप किया हो। सुसाइड हैकर। सुसाइड हैकर इतना बहुत ही डेंजर हैकर है जो किसी रीजन की वजह से पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन कर देता है और अपनी आइडेंटिटी भी छोड़ देता है। उसको उसकी कोई फिक्र नहीं है कि उसको जेल हो जाएगी या उसको कोई पनिशमेंट होगी। सो सुसाइड हैकर इज ऑल्सो वेरी डेंजरस हैकर। देन स्पाई हैकर। स्पाई हैकर वो ऐसा हैकर है कि वो ऐसा एक पर्सन है जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉम्पिटिटर की वहाँ पे रिक्रूट करवाया है, जिसके थ्रू वो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क को पेनिट्रेट करता है और ट्रेड सीक्रेट को वो गेदर करके इंफॉर्मेशन लाके देता है। साइबर टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट जो होता है वो मोटिवेटेड है किसी रिलीजियंस की वजह से, किसी धर्म की वजह से या कोई पॉलिटिकल बिलीव की वजह से, जो बहुत ही बड़े स्केल में, बहुत ही बड़े स्केल में वो कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है। सो वो वाइड रेंज में वो अटैक हो सकता है। सो साइबर टेररिस्ट ऑल्सो वेरी डेंजरस। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर एक ऐसा हैकर है जिसको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने हायर किया है किसी और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को गेदर करने के लिए। इट्स कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर।
हैकिंग के डिफरेंट डिफरेंट फेज है, लाइक फर्स्ट फेज है रिकॉग्निशंस, सेकंड फेज है स्कैनिंग, थर्ड फेज है गेनिंग एक्सेस, फोर्थ फेज है मेंटेनिंग एक्सेस एंड फिफ्थ है क्लियरिंग ट्रैक। सो रिकॉग्निशंस फेज एक ऐसा फेज है, उस फेज में अटैकर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करता है, मैक्सिमम बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करता है, लाइक टारगेट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, उसके कंप्यूटर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, उसका जो भी ऑपरेशंस है उसकी इंफॉर्मेशन। सो ये प्रीपेरेटरी फेज है जो अटैक लगाने के पहले परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली रिकॉग्निशंस दो टाइप के हैं, पैसिव रिकॉग्निशंस एंड एक्टिव रिकॉग्निशंस। पैसिव रिकॉग्निशंस में क्या होता है कि पैसिव रिकॉग्निशंस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया जाता टारगेट के साथ, मींस आप पब्लिक रिकॉर्ड के थ्रू या न्यूज रिलीजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। एक्टिव रिकॉग्निशंस ऐसा है जिसमें टारगेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीफोन कॉल करते हो सीधे आईटी हेल्प डेस्क पे और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, या टेक्निकल डिपार्टमेंट में डायरेक्टली कॉल करते हो। सो दैट इज रिकॉग्निशंस। देन है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग प्री अटैक है, अटैक लगाने के पहले का। स्कैनिंग एक ऐसा फेज है जिसमें आप कंप्यूटर नेटवर्क को स्कैन करते हो। कंप्यूटर नेटवर्क्स में जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, उसकी एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, उस कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी पोर्ट्स एक्टिव है उस पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, पोर्ट स्टेटस की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। डिफरेंट डिफरेंट पिंग टूल्स के थ्रू तुम आईपी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, नेटवर्क की रेंज की इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क डिवाइसेस है, उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हो। सो अटैकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है स्कैनिंग फेज में। तो स्कैनिंग फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए उसको बोला जाता है वो अटैक के पहले का प्री अटैक फेज है। देन है गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस वो ऐसा फेज है जिसमें अटैकर एक्सेस गेन कर लेता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, किसी भी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर लेता है। वो सिस्टम लेवल पे कंट्रोल हो सकता है, एप्लीकेशन लेवल पे कंट्रोल हो सकता है, वो नेटवर्क लेवल पे कंट्रोल हो सकता है। देन है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस एक ऐसा फेज है जिसमें ऑलरेडी हैकर ने एक्सेस ले लिया है, बट उस एक्सेस को वो मेंटेन रखता है। वो किस बैकडोर को रन करता है, वो रूट किट्स को रन करता है, वो ट्रोजन को रन करता है अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए और अपने एक्सेस को मेंटेन करने के लिए, और दूसरे जो अटैकर्स है उससे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। सो इस फेज में कंप्लीटली अपने आप को मेंटेन किया जाता है, अपना सेशन मेंटेन किया जाता है और अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है। और इस फेज में अटैकर सिस्टम को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करता है कि वो नेक्स्ट लेवल का जो भी अटैक है उसको लॉन्च कर पाए। देन है क्लियरिंग ट्रैक। सो डेटा ब्रीच करने के लिए, अटैक को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हुई है उस सारे कवर ट्रैक्स, सारे क्लियरिंग ट्रैक्स को परफॉर्म किया जाता है। वो सारे लॉग्स इंफॉर्मेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जनरेट हुए हैं, जो नेटवर्क के अंदर जनरेट हुए हैं, जो एप्लीकेशंस लॉग है, उन सब को क्लियर किया जाता है, उन सब को डिलीट किया जाता है। उस फेज को बोलते हैं क्लियरिंग ट्रैक, जो लास्ट में रहता है। सो कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के अटैक सिस्टम पे लगते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल अटैक, मिसकंफिगरेशन अटैक, एप्लीकेशन लेवल अटैक एंड श्रिंक रैप कोड अटैक। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक वो ऐसा अटैक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक लगाया जाता है। देन मिसकंफिगरेशन अटैक। मिसकंफिगरेशन अटैक वो ऐसा अटैक है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी कंफिगरेशन करने के दौरान वो कुछ मिस्टेक्स कर लेता है, कुछ इश्यूज छोड़ देता है और उसको फिक्स करना रह जाता है।
कई बार एडमिनिस्ट्रेटर के पास स्किल्स नहीं होते उस इश्यूज को फिक्स करने का, और उसका बेनिफिट उठा के अटैकर अटैक लगाता है। इट्स कॉल्ड मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक। एप्लीकेशन लेवल अटैक। एप्लीकेशन लेवल अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें एप्लीकेशन डेवलप करने के दौरान कई सारी वनरेबिलिटीज रह चुकी है और उसके सोर्स कोड में, और उसका बेनिफिट उठा के अटैकर अटैक करता है। देन श्रिंक रैप कोड अटैक। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एप्लीकेशंस है उसके साथ कई सारी सैम्पल स्क्रिप्ट आती है जिसका यूज़ करके एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम इजी कर सकता है, तो उस सैम्पल स्क्रिप्ट में बहुत सारी वनरेबिलिटीज होती है और उसका बेनिफिट उठा के अटैकर क्या करता है, अटैक कर लेता है। Why ethical hacking is necessary? Because to beat a hacker, think like a hacker. अगर आप हैकर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हैकर को बीट करना चाहते हो, तो आपको हैकर की तरह सोचना पड़ेगा। So ethical hacking एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक लगाते हो वेरी सेफली, लाइक हैकर करता है, और उसके थ्रू खामियां ढूंढ के उसको फिक्स करते हो। मतलब ये एथिकल हैकिंग जो प्रोसेस है वो पूरी एंटीसिपेटिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क को बचा सकते हो, उसको डिफेंस कर सकते हो। सो इसलिए एथिकल हैकिंग बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि डे बाय डे अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, वायरस इस मार्केट में नए नए आते रहते हैं, नए नए प्रकार की अटैक्स लगते हैं। सो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए एथिकल हैकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एथिकल हैकर के पास क्या क्या स्किल हो सकते हैं? एथिकल हैकर एक पूरा कंप्यूटर एक्सपर्ट है जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉलेज है, मतलब प्लेटफॉर्म का नॉलेज है उसको, कम्प्लीटली नेटवर्क का नॉलेज है, वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो कंप्यूटर सिक्योरिटी को पूरी तरह जानता है, वो सिक्योरिटी के उसके पास बहुत सारे नॉलेज है, और टेक्निकली वो साउंड है। डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ क्या है? डिफेंस इन डेप्थ एक पूरी कंप्यूटर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करते हो। तो डिफेंस इन डेप्थ इस पॉलिसी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, जैसे डेटा लेयर, एप्लीकेशन लेयर, होस्ट लेयर, इंटरनल नेटवर्क लेयर, पैरीमीटर लेयर, फिजिकल पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड अवेयरनेस। सो अगर किसी एक लेयर पे अटैक होता है तो वो उसी लेयर तक रहेगा, वो दूसरे लेयर पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। सो दैट्स कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ मेथड। इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपकी आईटी सिस्टम डाउन हो जाती है, और उसको रिकवर करने के लिए आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, किसी टास्क को प्रायोरिटाइज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो सारी चीज़ें प्लान की जाती है कि जब किसी आईटी सिस्टम डाउन होती है या आईटी सिस्टम पर अटैक लगता है तो किस हिसाब से कौन से टास्क को प्रायोरिटी दे जाए, किस हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाए, एनालाइज किया जाए। तो उसके बहुत सारे हेतु है, पर्पस है, लाइक इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, आप अपनी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट ऑन बिजनेस, मीट सर्विस अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, इंक्रीज स्टाफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव यूजर्स एंड कस्टमर सेटिस्फिकेशन, एंड असिस्ट इन हैंडलिंग फ्यूचर इंसिडेंट्स। वल्नरेबिलिटी रिसर्च। वल्नरेबिलिटी रिसर्च क्या है? वल्नरेबिलिटी रिसर्च के थ्रू आप सिक्योरिटी ट्रेंड की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, थ्रेट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, अटैक की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी रिसर्च के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी नेटवर्क की वीकनेसेस है उसको फाइंड कर सकता है, और देन उस इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी सिक्योरिटी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसको फिक्स कर सकता है, और कंप्यूटर नेटवर्क में जो होने वाले अटैक्स है या हो गए हुए अटैक है उससे वो रिकवर कर सकता है। तो वल्नरेबिलिटी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग? पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने ही इंफॉर्मेशन सिस्टम को इवेल्यूट किया जाता है, नेटवर्क को इवेल्यूट किया जाता है, और उसकी खामियां है, उसकी जो वीकनेसेस है उसको फाइंड किया जाता है। जो अटैकर
परफॉर्म करें उसके पहले हम खुद ही एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर उस खामी को फाइंड कर लेते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं. इट्स कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय विशाल पटेल. थैंक यू.